जी अस्सलाम वालेकुम डियर पीपल व्यूअर्स, प्रोग्राम प्रॉपर्टी पल्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट रज़ा मुजाहिद। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची के अंदर अबुल कासिम के जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें इस वक्त जो टॉप ऑफ द प्रोमिनेंट चल रहा है वो शॉप्स चल रही हैं। बाकी तो इनके प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट हो चुके हैं, आलमोस्ट या कम्प्लीशन के प्रोसेस में हैं, तो इंशाल्लाह उसका आज मैं आपको ओवरऑल व्यू दूंगा और यही बताऊंगा कि अबुल कासिम वालों का इस वक्त का क्या स्टेटस चल रहा है और इनके रिसेंटली इनका बहरिया के अंदर इस वक्त के कितने प्रोजेक्ट्स हैं और कितना ही काम उन प्रोजेक्ट्स पे इनका हो चुका है। अच्छा, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग अभी इसका मैं आपको सर्विस लेन पे थोड़ा सा रोड टूर देना चाह रहा था। इस वक्त हम लोग बिल्कुल जिना एवेन्यू के साथ हैं और ये मेन गेट्स तकरीबन 2 से 3 मिनट की ड्राइव के डिस्टेंस पे है। इस वक्त आप लोग इस वीडियो के अंदर अगर जिना एवेन्यू के ऊपर देखें तो अभी हम इंशाल्लाह अबुल कासिम वाला जो प्रोजेक्ट है, जो इनका बिल्कुल फर्स्ट प्रोजेक्ट आया था और लास्ट ईयर 2019 में ये प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने मर्जिंग के ऑप्शन स्टार्ट किए थे, वो इनका बिजनेस वन के नाम से यहाँ पर स्टार्ट किया गया था अबुल कासिम का। और उसकी ये बिल्डिंग आपको इस वीडियो के अंदर अगर प्रॉपर नज़र आए तो आप लोग ये देख सकते हैं, ब्लू कलर की। इसका ऑलमोस्ट टोटली कंप्लीट हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी डेवलपमेंट भी 100% कंप्लीट है। ये इस वक्त बिल्कुल जिना एवेन्यू के ऊपर है इनका प्रोजेक्ट और इसमें बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आए थे जिन्होंने इसमें बुकिंग्स करवाई थी और उनको कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा था कि हम अपनी डिस्प्यूटेड फाइल्स को कहाँ एडजस्ट करें। तो ये कमर्शियल ऑफिसेज में तब इन्होंने लॉन्चिंग स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह से आज वो लोग काफ़ी खुश हैं और अपना उसी पैसे में उनको इवन के प्रॉफिट के साथ उनके जो रेट ऑफ रिटर्न है वो साथ में वापस मिला है। सेकेंडली, अभी आपको इसी वीडियो के अंदर एक और ग्रे स्ट्रक्चर का इस वक्त एक प्लाजा नज़र आ रहा है, ये इनका सेकेंड प्रोजेक्ट था जो इन्होंने बिल्कुल उसके साथ में ही स्टार्ट किया था। ये तकरीबन 3 से 4 महीने बाद किया गया था इसको। इसका इस वक्त ऑलमोस्ट फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है, ग्रे स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट है, तो बस इसका पेंट रह गया और अंदर का इलेक्ट्रिशियन सिस्टम रह गया। तो ये भी 3-1 महीने के अंदर जो आपने दूसरा देखा है इनका प्रोजेक्ट, उसकी तरह की शेप में प्रॉपर स्टैंड पे होगा और इनका काम बहुत तेज़ी से इस पर इस वक्त किया जा रहा है। इसके बाद अभी हम लोग जो इनका एक प्रोजेक्ट है 2-बेड अपार्टमेंट का, वो मेन गेट के साथ है, उसका इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर एक सेपरेट प्रोजेक्ट के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वो अभी ऑन गोइंग है और उसमें बुकिंग भी हो रही है। बेसिक इस वक्त जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, मेरे राइट साइड पर जो बेगम अख्तर रुखसान मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल है, ये बहरिया टाउन के अंदर एक ही हॉस्पिटल अभी तक जो प्रॉपर फंक्शनल है, और जो अबुल कासिम का प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल इसके साथ में आ रहा है एक सुपर मार्केट के नाम से। और अगर हम इस वक्त इस पूरी लोकेशन की बात करें तो इसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, मेन गेट से बहुत लिमिटेड डिस्टेंस पे है और बिल्कुल मिड ऑफ द पॉइंट है अबुल कासिम की जो सुपर मार्केट की जो इनकी लोकेशन है। तो अभी हम इंशाल्लाह उसकी तरफ जा रहे हैं और आप लोगों को इससे अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इसका मेन गेट से क्या डिस्टेंस है। इसमें बेसिकली जो फ्लोर्स दिए गए थे उसमें लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर किया गया था, तो ये बेसिकली 4 फ्लोर्स पर डिपेंड है मार्केट, और अगर सॉरी ये 3 फ्लोर्स पे डिपेंड है मार्केट। और इसमें अगर हम इसके राइट साइड की बात करें, अभी हम उस लोकेशन पे जाने से पहले, तो बहरिया के जो फ्लैट्स हैं 4-बेड 3-बेड और 2-बेड वो बिल्कुल इस मार्केट के अपोजिट आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोकेशन वाइज कितना नियर बाय है मेन गेट से, क्योंकि ये फ्लैट्स तो बहुत ही नियर बाय हैं। तो ये इस वक्त जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, आपको आगे ये रोड सीधा डांजू पार्क पे जा रहा है, जो डांजू डे एंड नाइट सफारी पार्क है, और अभी ये एक हम प्रोजेक्ट को क्रॉस करेंगे अथर अमन कसल के नाम से, ये अथर रियल स्टेट वालों का था 2-बेड अपार्टमेंट, ये भी तकरीबन इस वक्त इन प्रोसेस चल रहा है, काफ़ी हमने काम इसमें भी किया है और लोगों ने इसमें मर्जिंग्स करवाई थी। तो ये रोड सीधा आगे अगर हम इसको देखें तो एक तो ये PSO पेट्रोल पंप जो है वो इसी रोड पे है, बेसिकली पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है बहरिया टाउन कराची में जस्ट 2 ही हैं, एक अली ब्लॉक में और दूसरा यहाँ है। ये इस वक्त हम एग्जैक्ट अबुल कासिम की लोकेशन के ऊपर इस वक्त पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी आपके लेफ़्ट साइड पर ये सारी आपको लोकेशन नज़र आ रही है। मोस्ट सरप्राइजिंग पॉइंट ये है कि जो इम्तियाज़ सुपर मार्केट है वो बिल्कुल इस लोकेशन के सामने है,
और इंशाल्लाह इसका दिसंबर में इनॉग्रेशन किया जा रहा है और तब ही सुपर का मार्केट जो अबुल कासिम वालों की तरफ से इसकी इनॉग्रेशन है वो दिसंबर में होगी, जिस दिन इसका इम्तियाज़ वालों का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया जाएगा। लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत ही आला लोकेशन पे है। मैं आपको थोड़ा इसका ज़रा बाहर जाके विज़िट भी करवाता हूँ और थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इसके सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और आपको इसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसके क्या साइज़ हैं। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम पीपल व्यूअर्स, मैं इस वक्त एग्जैक्ट साइट के ऊपर खड़ा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें आपको सराउंडिंग की लोकेशनें बता दूँ। ये इस वक्त आप लोग बिल्कुल इसके अपोजिट देख सकते हैं, टू बेड बहरिया के जो फ्लैट्स हैं प्रीसेंट 19 के, वो अबुल कासिम की इस सुपर मार्केट के बिल्कुल सामने आ रहे हैं। और अगर हम इसको इसके राइट साइड पे मैं बात करूँ इसके बैक पे, तो जो इंटरनेशनल थीम पार्क है बहरिया टाउन कराची का, इंशाल्लाह ये 12 अगस्त को इनॉग्रेशन इसका अगेन किया जा रहा है, ड्यू टू कोविड ये बंद कर दिया गया था। तो ये बिल्कुल इससे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। साथ ही में सुपर मार्केट जो इम्तियाज़ वालों की है ये इस वक्त प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है और इसका इंशाल्लाह दिसंबर में इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इसकी अब राइट साइड की बात करें, तो बहरिया टाउन के जो फार्म हाउसेज हैं, PSO पंप है और डांजू डे एंड नाइट सफारी है, वो बिल्कुल यहाँ से सारे वॉकिंग डिस्टेंस के ट्रैवल पे हैं। तो इसमें इस वक्त अगर हम इसकी ओवरऑल साइज़ की बात करें शॉप्स की, तो इसके जो मिनिमम साइज़ हैं वो 125 स्क्वायर फिट से इस वक्त अवेलेबिलिटी है। उसमें मोबाइल मार्केट्स भी हैं, दूसरी शॉप्स भी हैं, और मिनिमम से मिनिमम अगर कोई इससे नीचे भी आना चाहे तो उसको 90-100 स्क्वायर फिट की शॉप्स भी मिल जाती हैं, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी अभी कम है क्योंकि वो सारी सोल्ड हो चुकी हैं। इसका जो मोबाइल मार्केट है वो 15,000 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से चल रही है, और अभी जो इन फ्यूचर इसके जो अभी इसकी डाउन पेमेंट है वो 6 लाख है और रेस्ट ऑफ द अमाउंट 3 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट बेसिस पे है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। अच्छा, इसमें मैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों से शेयर करता चलूं कि अभी 15 अगस्त के बाद जो इसकी डाउन पेमेंट है वो 10 लाख रुपीज़ हो जाएगी और इसका जो पर स्क्वायर फिट है वो 20,000 रुपये से मतलब आगे अब स्टार्ट हो जाएगा होना। तो जिन लोगों ने इसमें बुकिंग्स करवा ली थी PPL के थ्रू, उनके लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है। यासिर यामीन जो इनके ऑनर हैं अबुल कासिम के, जो पूरा इसको देख रहे हैं, उनकी प्रॉपर अनाउंसमेंट्स की गई हैं कि 15 अगस्त के बाद इस सुपर मार्केट की जो डाउन पेमेंट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी और पर स्क्वायर फिट 20,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा और उससे भी ऊपर जा सकता है। तो जिन लोगों ने इसमें बुकिंग्स करवा ली हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह से इंशाल्लाह प्रॉफिट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ली थी। और अगर जिन लोगों ने अभी तक बुकिंग्स नहीं करवाई, तो 15 डेडलाइन है। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग एक दफ़ा आके इसको देखें। बहरिया टाउन कराची के अंदर ऐसी लोकेशन पे शॉप्स मेरे ख्याल से अगर आपको 20 से 22 लाख रुपए के अंदर 125 से 150 स्क्वायर फीट की मिल जाती है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। इंस्टॉलमेंट प्लान इनका 3 मंथ्स का भी है, 6 मंथ का भी है। नॉर्मली इन्होंने जो स्केड्यूल में रखा है वो आफ्टर 6 मंथ रखा है, तो वो भी एक क्लाइंट्स के लिए बड़ा बेटर है। अगर कोई मंथली, क्वार्टरली या 6 मंथ बाद देना चाहता है तो वो कर सकता है। तो बाकी अभी जस्ट डाउन पेमेंट करनी है और उसके बाद जो नेक्स्ट पेमेंट्स होंगी वो डिगिंग के टाइम होंगी दिसंबर में। तो हमने बहुत सारे क्लाइंट्स की बुकिंग्स करवाई हैं, शॉप्स की अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्ट है और इवन के ईद से पहले मतलब इनकी जो छोटे साइज़ की शॉप्स हैं वो सारी सोल्ड हो चुकी हैं, क्योंकि लोग इनका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो पास्ट इनके बने हुए हैं, सारे जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं उनको देख के इस चीज़ की बाइंग कर रहे हैं। और अबुल कासिम का एक नाम है, आप लोग इनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं और बाकी इसको ओवरऑल पूरा विज़िट भी कर सकते हैं। फर्दर आप लोगों को जो भी किसी किस्म की इन शॉप्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे फ्रंट पे मेरे टॉप पे नंबर पे दिए गए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।